फुल ब्रिज एसएमपीएस कन्वर्टर। इसमें हम 4 मोसफेट्स का, पावर मोसफेट्स का यूज करते हैं, जिसको M1, M2, M3 और M4 से डिनोट किया गया है। ये फुल वेव में वर्क करता है और इनपुट से एसी सप्लाई प्रोवाइड की जाती है और बीच में अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर अप्लाई किया जाता है। ये अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, यानी यहाँ पे हमारे पास डीसी प्रोड्यूस होगी जिसको हम अपने अप्लाई करेंगे अपने आगे सर्किट पे। डीसी अप्लाई किया जाता है यहाँ पे। 4 पावर मोसफेट्स का यूज किया गया है इसमें और एक ट्रांसफार्मर का यूज किया गया है, जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग, ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, लेकिन जो सेकेंडरी होती है वो मिड पॉइंट से सेंटर टैप्ड होती है, कनेक्टेड होती है। 2 डायोड्स में कनेक्टेड होते हैं, डायोड 1 और डायोड 2 से जिसे डिनोट किया गया है। और लास्ट पे LC फिल्टर का यूज किया जाता है। LC फिल्टर यानी जब भी कोई रिपल आता है हमारी फ्रिक्वेंसी में, जो AC के कोई रिपल्स, हाई रिपल्स आ जाते हैं, तो उसे रिमूव करता है, उसे फिल्टर करता है, जिसके लिए LC सर्किट का यूज किया जाता है। और लोड से हम आउटपुट वोल्टेज लेते हैं। ये हमारे कंट्रोल सर्किट के साथ कनेक्टेड होता है। कंट्रोल सर्किट जो कि पावर मोसफेट के साथ कनेक्टेड होती है, ये 1 पॉइंट पावर मोसफेट के 1 पॉइंट से कनेक्टेड होता है, सेकंड के साथ कनेक्टेड होता है, थर्ड के साथ कनेक्टेड होता है, नेक्स्ट फोर्थ यानी 4 पावर मोसफेट और 4 कंट्रोल सर्किट सिग्नल अप्लाई किए गए हैं। ये तो था हमारे जो फुल ब्रिज कन्वर्टर्स का स्ट्रक्चर। इसमें जब इनपुट से एसी सप्लाई प्रोवाइड की जाती है तो इस टाइम पे रेक्टिफायर उसे डीसी में कन्वर्ट करता है, डीसी सप्लाई जो कि यहाँ से जाती है। इस टाइम पे मोसफेट 1 और मोसफेट 2 वर्क करते हैं और मोसफेट 3 और 4 पेयर में वर्क करते हैं, मोसफेट 1 और 2 नेक्स्ट पेयर में वर्क करते हैं। यहाँ से हमारा करंट पास होगा, मोसफेट 1 इस पॉइंट से करंट पास होकर प्राइमरी पे जाएगा V1 से, जिसे डिनोट किया गया है। V1 पे जो वोल्टेज होगी वो सोर्स वोल्टेज के इक्वल होती है और ये सारा करंट जो V1 से पास होकर मोसफेट 2 पे जाएगा। इस तरह से ये करंट पास होता है जब मोसफेट 1 और 2 कंडक्ट करते हैं। इस टाइम पे जो प्राइमरी वोल्टेज होगी वो सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगी। नेक्स्ट जो सेकेंडरी होती है हमारी, ये वाली वोल्टेज, यहाँ पे ये म्यूचुअली कनेक्टेड होती है। यहाँ पे जो वोल्टेज होगी, देखिए अपर पॉइंट पॉजिटिव है, लोअर नेगेटिव है, यहाँ पे भी अपर पॉजिटिव है, लोअर नेगेटिव है, तो यहाँ पे इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी, ये वाली वाइंडिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो डायोड 1 को फॉरवर्ड बायस कर देगी और डायोड 1 इस टाइम पे कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाएगा। फिर इसको पास करेंगे अपने फिल्टर सर्किट में जिसमें हमने LC का यूज किया है। ये क्या करेगा, जो हमारे अगर हाई रिपल्स होंगे तो उसे रिमूव करेगा, उस फिल्टर करेगा हमारे फ्रिक्वेंसी को, और आउटपुट पे लोड पे जो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगी, और जो सेकेंडरी के अक्रॉस जो हमारी वोल्टेज होती है V2, वो इज इक्वल टू होती है VS अपॉन N1, N1 यानी प्राइमरी की नंबर ऑफ वाइंडिंग, N2 सेकेंडरी की नंबर ऑफ वाइंडिंग, VS सोर्स अपॉन N1 इंटू N2 जो कि इज इक्वल टू AVS के इक्वल होती है। A शो करता है रेशो ऑफ ये जो हमारी वाइंडिंग्स होती हैं N2 अपॉन N1, ये जो रेशो होती है यानी N2 अपॉन N1, इसको हमने A से डिनोट किया, इसकी रेशो को A से डिनोट किया है, इसलिए इसकी जगह हमने A पुट कर दिया है, यानी N2 अपॉन N1 को A पुट कर दिया और ये VS सोर्स वोल्टेज। तो हमारे पास जो V2 की वोल्टेज है वो AVS के इक्वल होगी और जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो भी AVS के इक्वल रहेगी। ये था हमारा जब हमारा MOSFET 1 और 2 कंडक्ट करते हैं, और जब हमारा MOSFET 3 और 4 कंडक्टिंग कंडीशन में आएंगे तो MOSFET 1 और 2 ऑफ कंडीशन में चले जाएंगे। देखिए अब जो करंट होगा वो यहाँ से DC पास होगी, यहाँ पे पावर MOSFET 3 और ये करंट 3 से पास होके जाएगा प्राइमरी की तरफ इस तरह से। देखिए इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, लोअर पॉजिटिव हो जाएगा, अपर नेगेटिव हो जाएगा, और सेकेंडरी की भी जो पोलैरिटीज हैं ये चेंज हो जाएंगी, ये पॉजिटिव होगा, ये अपर नेगेटिव होगा, और ये करंट मोसफेट यहाँ सोर्स से आकर मोसफेट 3 से पास होकर जाएगा पॉजिटिव पॉइंट की तरफ, पॉजिटिव से प्राइमरी वाइंडिंग पे, प्राइमरी वाइंडिंग से पास होकर जाएगा इस तरह से मोसफेट 4 की तरफ। इस टाइम पे मोसफेट 3 और 4 कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाएंगे और इस टाइम पे
जो V1 वोल्टेज प्राइमरी के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो माइनस Vs के इक्वल होगी, और जो सेकेंडरी के अक्रॉस वोल्टेज होगी वो होगी माइनस Vs अपॉन N1 इंटू N2 के इक्वल। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस ए वी एस, ए हमारी N2 अपॉन N1 शो करेगी इनकी रेशो को, और तो माइनस ए वी एस के इक्वल लिख सकते हैं। तो V2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो माइनस ए वी एस के इक्वल होगी। इस टाइम पे जो इस वाइंडिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो डायोड 2 को फॉरवर्ड बायस कर देगी। इस टाइम पे डायोड 1 कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि देखिए ये नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो डायोड 2 कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाएगा। तो यहाँ से डायोड 2 कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा और ये करंट जाएगा हमारे LC फिल्टर की तरफ। फिल्टर हाई फ्रिक्वेंसी को और जो हाई फ्रिक्वेंसी रिपल्स होंगे उन्हें रिमूव करेगा और आउटपुट पे हमें वोल्टेज मिल जाएगी। ये है हमारा फुल ब्रिज कन्वर्टर। ये जो हमारे सारे SMPS होते हैं इनकी बहुत एडवांटेजेस होती हैं। एक एडवांटेज ये होती है कि इसकी जो पावर रेटिंग होती है वो स्मॉल होती है, ये स्मॉल इन साइज होता है, वेट में लाइट होता है, इनका वेट लाइट होता है और हाई एफिशिएंसी होती है, क्योंकि ये क्या करता है हाई फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन को ऑपरेट करता है। और जो SMPS होते हैं वो लेस सेंसिटिव होते हैं इनपुट वोल्टेज वेरिएशन से, बहुत कम सेंसिटिव होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी होती हैं जो हमारे SMPS होते हैं, ये सिर्फ इसकी नहीं है, सारे SMPS जो हमारे SMPS होते हैं उनकी है। जो SMPS होती हैं उसमें जो आउटपुट रिपल होते हैं वो ज़्यादा होती हैं और इसमें जो रेगुलेशन होती है वो थोड़ी बुरी होती है। इनमें जो जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और रेडियो होती हैं, वेव्स होते हैं, उनमें इंटरफेस हो जाता है क्योंकि ये हाई फ्रिक्वेंसी स्विचिंग कंट्रोल करते हैं। और इसकी एक डिसएडवांटेज ये भी है, इसमें जो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है इनपुट पे और आउटपुट पे दोनों पे उसे कंट्रोल करना पड़ता है SMPS में। ये है हमारी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ SMPS। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मोर और ज़्यादा वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं।